वेलकम एवरीबडी, आई एम जाई एंड आई वेलकम यू टू द सीरीज ऑफ स्मार्ट टिफिन्स। हर सुबह सबको एक ही क्वेश्चन होता है कि आज टिफिन में क्या बनाया जाए, एंड आई एम श्योर वी ऑल आर बोर्ड ऑफ ईटिंग द सेम रोटी सब्जी दाल एंड चावल। सो हियर आई एम विद द सॉल्यूशन, वी आर गोइंग टू शो यू सम स्मार्ट टिफिन्स। अब स्मार्ट टिफिन्स है क्या भाई? तो स्मार्ट टिफिन्स में रेसिपी तो बहुत ही सिंपल होंगी, बट दे आर गोइंग टू बी विद अ ट्विस्ट, दे आर गोइंग टू बी हेल्दी, दे आर गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। टिफिन तो हमने बना लिया, बट उसे पैक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू पैक द टिफिन स्मार्टली। सो वी आर गोइंग टू डू स्मार्ट टिफिन्स। टुडेज स्मार्ट टिफिन इज ऑल अबाउट सम हेल्दी एंड इंटरेस्टिंग रेसिपीज। वी आर गोइंग टू बी मेकिंग अ पनीर भुर्जी विथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, अ बीटरूट पराठा एंड एनर्जी बॉल्स। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो सबसे पहले हम बनाएंगे बीटरूट पराठा का डो, क्योंकि हमें ये डो बना के इसे साइड में थोड़ी देर के लिए रखना है। सो लेट्स बिगिन विद बीटरूट पराठा। दिस इज रेगुलर होल व्हीट फ्लावर। आटा हमने ले लिया है, इसमें हम डालेंगे अजवाइन विच गिव्स नाइस फ्लेवर टू योर पराठा, सॉल्ट, नमक एज पर योर टेस्ट। नमक के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, ये इससे थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आता है पराठे का। एंड नाउ द हीरो ऑफ द रेसिपी विच इज बीटरूट प्यूरे। बीटरूट प्यूरे डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। नाउ एज यू कैन से हमने बीटरूट प्यूरे तो डाल दी है, लेकिन इसका आटा अभी तक गूंदा नहीं है, तो हम इसमें डालेंगे पानी। थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इसका हम अभी सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। हमारा आटा गूंद के तैयार है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और उसको और गूंद लेंगे। चलिए, हमने तेल डाल लिया है, इसे अच्छी तरह से मसलना है ताकि पराठे जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाए। चलिए, हमारा आटा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। मेरे पास एक गीला मलमल का कपड़ा है जिससे हम इसे कवर करेंगे और करीबन 10 से 15 मिनट बाजू में रख देंगे। जब तक हमारा डो रेस्ट होता है तब तक बनाएंगे पनीर भुर्जी। उसके लिए हम एक पैन में तेल गरम कर लेंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेम्पर इट, लेट्स ऐड सम क्यूमिन सीड्स। आफ्टर जीरा वी आर गोइंग टू ऐड सम ग्रीन चिलीज, और उसके बाद हम डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक। इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, इसे भी हम थोड़ा भून लेंगे। वी डोंट वांट द अनियंस टू गो ब्राउन। अब हम इसमें डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स, आई हैव सम बॉइल्ड ग्रीन पीस। मेरे पास कुछ शिमला मिर्च है जो मैंने ऑलरेडी काट के रखी हुई है। शिमला मिर्च के बाद हम डालेंगे मकई के दाने जो हमने थोड़े से उबाल के लिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो वेजिटेबल्स आर कुक, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, सम टर्मरिक पाउडर। इसमें बहुत सारे मसाले हम नहीं डालेंगे। टर्मरिक पाउडर के बाद हम इसमें डालेंगे नमक और हम इसमें डालेंगे हल्का सा गरम मसाला। ऑल्सो मेरा जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो अब मैं इसमें डालूंगी, विच इज कसूरी मेथी। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर एडिंग कसूरी मेथी इन दिस फॉर्म, जस्ट रब इट लाइटली विथ योर पाम्स एंड एड इट टू एनी डिश। दिस इज गोइंग टू एनहांस द फ्लेवर ऑफ द डिश। मिक्स इट नाइसली, मेक श्योर दैट योर स्पाइसेस आर नॉट बर्निंग। हमारे मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब फाइनली हम इसमें डालेंगे पनीर जो हमने मैश करके लिया हुआ है। सो लेट्स ऐड दिस पनीर। चलिए, हमारा पनीर तो अच्छी तरह से मिल गया है। फाइनली इसमें डालेंगे धनिया, बहुत सारा धनिया डालेंगे, एड्स फ्रेशनेस टू द रेसिपी। और अब इसे आखिरी बार मिक्स करके करीबन 2 मिनट के लिए पकाएंगे, नॉट मोर देन दैट। पनीर भुर्जी तो हमारी रेडी हो चुकी है, पराठे का डो भी अच्छी तरह से रेस्ट हो चुका है। चलिए पराठे बना लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा। अब हमारा जो डो है या लोई है इसके हम गोले बना लेंगे, पराठे में बेल लेंगे, बहुत पतला नहीं और बहुत मोटा भी नहीं। तो चलिए, हमारे सारे पराठे बेल के तैयार हो चुके हैं, इन्हें हम सेक लेते हैं, जिसके लिए हमने ऑलरेडी एक तवा गरम करके रखा है। अब ये जो बेले हुए पराठे हैं हम ये एक एक करके सेक लेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप आपको याद रखना है, जब तक पराठा दोनों तरह से अच्छी तरह से ना पके
तब तक उसमें घी तेल कुछ भी मत डालिए, अदरवाइज ये कच्चा ही रहेगा, अच्छी तरह से पकेगा नहीं। पराठा हमारा सिक रहा है, पनीर भी रेडी है, थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। ये जो पराठे हैं एज यू कैन सी एक तरह से अच्छी तरह से पक चुके हैं। दिस इज़ द टाइम टू ऐड घी। आप घी तेल आपको जो भी ऐड करना है कर सकते हैं, आई पर्सनली लाइक एडिंग घी, थोड़ा घी ये साइड में भी ऐड करेंगे, अच्छी तरह से सेक लेंगे। पराठे बन चुके हैं, भुर्जी रेडी है, अब हम बनाएंगे एनर्जी बॉल्स। तो एनर्जी बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्सर जार में डालेंगे वॉलनट्स या अखरोट। अब हम इसमें डालेंगे कुछ पिस्ते जिसे हमने रफली चॉप करके लिया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे बादाम। तो चलिए अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, दरदरा पीस लेना है, बहुत बारीक नहीं पीसना है क्योंकि हमें बाकी के भी इंग्रेडिएंट्स अभी तक ऐड करने हैं। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे गोल्डन एप्रिकॉट्स, उसके बाद हम डालेंगे सूखे हुए अंजीर जिसे हमने रफली चॉप कर लिया है। फाइनली हम इसमें डालेंगे खजूर। यू कैन आइदर यूज द सीडलेस वैरायटी, और अगर आपके पास जो खजूर है उसमें बीज है तो उसके बीज निकाल लीजिए। इसमें हम डालेंगे खजूर। अब फाइनली हम इसमें डालेंगे फ्लैक्स सीड जिसे अलसी भी कहते हैं। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। यू डोंट नीड टू रोस्ट इट, इसको ऐसे ही डाल सकते हैं। चलिए अब हम ये मिक्सचर को पीस लेते हैं। हमारा मिक्सचर अब रेडी हो चुका है, इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे छोटे छोटे, समथिंग लाइक दिस। हमारे सारी रेसिपीज बन चुके हैं। नाउ एज आई सेड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पैक योर टिफिन, एंड इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू पैक योर टिफिन स्मार्टली। सो मैं ये टिफिन को दो तरीके से आपको पैक करके दिखाऊंगी। पहले तो ये पराठे लेंगे हम, और इसे टिफिन में फिट करने के लिए वी आर गोइंग टू कट इट इंटू 4 पीसेस। हमारे पास है ये थिक टिश्यू पेपर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज थिक टिश्यू पेपर्स so that your parathas don't stick to the tissue paper। अगर बहुत पतला वाला tissue paper use करेंगे तो पराठे जब गर्म होते हैं तब इसे चिपकेंगे। Also one more important point, ये पराठे थोड़े ठंडे होने के बाद ही पैक कीजिए, गर्म गर्म पराठे पैक मत कीजिए। देखिए कितने आसानी से टिफिन के अंदर चले गए। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू पैक इज पनीर भुर्जी। फाइनली वी आर गोइंग टू पुट द एनर्जी बॉल्स इन द थर्ड टिफिन। ये जो एनर्जी बॉल्स है, इट्स अ ग्रेट डेजर्ट फॉर योर किड्स, ऑल्सो इट इज़ अ ग्रेट स्नैक। तो हमारा पहला टिफिन पैक हो चुका है, लेट्स पैक अनदर टिफिन। हियर आई हैव अ टिफिन विच डजंट हैव एनी कंपार्टमेंट। तो उस वक्त आप ये ऐसे कपकेक लाइनर्स जो बाजार में इजीली मिल जाते हैं वो यूज कर सकते हैं। तो हमने जो पनीर भुर्जी बनाई थी, वी आर गोइंग टू स्टफ इट इनसाइड द बीटरूट पराठा एंड मेक इट इनटू अ रोल। चलिए हमारे रोल्स तो बन चुके हैं, बट ये अभी टिफिन में फिट करने के लिए ऐसे हम काट लेंगे। सो एज यू कैन सी ऑल द रोल्स हैव नाइसली फिटेड इनसाइड द टिफिन। एज आई मेंशन, वी आर गोइंग टू यूज कपकेक लाइनर एंड लेट्स पुट अ फ्यू एनर्जी बॉल्स। हमारे दोनों टिफिन बन के रेडी है। जैसे कि आपने देखा, हमने बहुत ही सिंपल रेसिपीज बनाई लेकिन उसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके हेल्दी बनाया। ऑल्सो वी हैव पैक्ड बोथ द टिफिन वेरी स्मार्टली। आई होप यू लाइक दिस रेसिपीज, डू ट्राई देम आउट एंड लेट मी नो हाउ दे टर्न आउट। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू संजीव कपूर खजाना।